नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने वीडियोस में कंपनियों की चर्चा कर रहे थे और आज हम अपने वीडियोस में कंपनियों के वीडियोस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी न्यूनतम पार्थिव धनराशि की चर्चा करने वाले हैं। मैंने देखा है कि अधिकतर इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूनतम पार्थिव धनराशि आखिर होती क्या है। कंपनी अधिनियम की धारा 31(9) के अनुसार न्यूनतम पार्थिव धनराशि ऐसी धनराशि है जिसका विवरण कंपनी के प्रविधान में होता है। यह ऐसी धनराशि है जो जनता के द्वारा कंपनी के आवेदन पर जितने अंश की सदस्यता ली जाती है उस पर निर्धारित होता है। इस धनराशि का भुगतान कंपनी को जनता के द्वारा चेक या फिर अन्य किसी भी पत्र के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि न्यूनतम पार्थिव धनराशि एक ऐसी धनराशि है जो पहली बात तो जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उसमें मेंशन होता है, और जो ऐसी धनराशि है जब कभी भी जनता क्या कर सकती है, कंपनी के पास अंशों का आवेदन करती है तो उस अंशों के आवेदन पे कितने पैसे उसको देने हैं उस पर आधारित होती है सेबी के अनुसार। अब सेबी क्या कहती है न्यूनतम पार्थिव धनराशि के विषय में, उसको हम लोग जानते हैं। अंशों के आवेदन पर आवंटन से पूर्व यदि कंपनी को उसके द्वारा जारी किए गए अंशों पर 90% भी स्वीकृति या सदस्यता जनता से मिल गई है तो तभी कंपनी अंश जारी करेगी। यानी अगर कंपनी ने कोई भी अंश जारी किए हैं और कंपनी के अंश जारी करने पर और जारी करने के बाद जब आवंटन का समय आता है, यानी कंपनी अलॉट करती है लोगों को शेयर सर्टिफिकेट दे देती है या कंपनी लोगों को शेयर दे देती है फाइनली, तो उसके पूर्व अगर जनता ने कंपनी के द्वारा जारी किए गए अंशों को खरीद लिया है यानी उसका सब्सक्रिप्शन कर लिया है, उसको सब्सक्राइब कर लिया है और उसके लिए पैसे पेड किए हैं और वो सब्सक्रिप्शन यानी वो जो धनराशि पेड की गई है वो कंपनी के द्वारा जारी किए गए अंशों के 90% है, तभी कंपनी क्या कर सकती है अपने अंशों को उनको आवंटित कर सकती है। यहाँ पे आप लोग नॉर्मल से समझ सकते हैं कि कंपनी की न्यूनतम पार्थिव धनराशि वह धनराशि है जिस पर कंपनी लोगों को अंश जारी करती है और लोग उस अंशों को एक्सेप्ट करके उस अंशों को सब्सक्राइब करके पैसे देते हैं, ठीक है। और दोनों एग्जांपल को मैं दोनों डेफिनेशन को मेंशन कर लेता हूं तो आपको ये समझ में आता है कि जब कंपनी 90% से सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेगी तभी कंपनी उस अंशों को जारी कर पाएगी अन्यथा नहीं। यदि कंपनी को 90% से कम पे आवेदन की स्वीकृति मिलती है तो वह आवेदन किए गए अंश को आवंटित नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी के अंश जारी करने से 30 दिनों तक न्यूनतम पार्थिव धनराशि मिल जानी चाहिए। यानी जब कंपनी ने अंश जारी किए तो उस अंश जारी करने से कम से लगभग 30 दिन के अंदर उसको जो न्यूनतम पार्थिव धनराशि, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जो कम से कम धनराशि पेड करनी है शेयर होल्डर्स के द्वारा, वो मिल जानी चाहिए। यदि आवेदन पर कंपनी को 30 दिनों के अंदर न्यूनतम पार्थिव धनराशि का भुगतान सभी आवेदनकर्ताओं के द्वारा नहीं होता है तो कंपनी 15 दिनों के अंदर जो भी धनराशि है उसको वापस कर देगी या उसको वापस कर देना होगा। यानी अगर कंपनी को 30 दिनों के अंदर न्यूनतम पार्थिव धनराशि नहीं मिलती है यानी जिसके बेस पे कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी, तो जो भी पैसे कंपनी ने जनता से लिए हैं उन सारे पैसों को कंपनी क्या करेगी अगले 15 दिन में सबको वापस कर देगी। यदि कंपनी आवेदन पर प्राप्त धनराशि नहीं लौटा पाई तो क्या होगा, यानी अगर कंपनी को पार्थिव धनराशि नहीं मिला और पार्थिव धनराशि न मिलने की दशा में कंपनी को 15 दिनों के अंदर पैसा लौटाना है तो अगर पैसा कंपनी लौटा नहीं पाती तब क्या होता है। यदि कंपनी आवेदन पर प्राप्त धनराशि को अगले 15 दिनों में नहीं लौटा पाई तो उसको ब्याज के साथ सारे पैसे को लौटाना पड़ेगा। उदाहरण, जारी अंश 1,00,000 रुपये 10 के हिसाब से न्यूनतम क्या है वो हमारे प्रोस्पेक्टस में होगा, सेबी के अनुसार 90%, यानी 1,00,000 का 90% 90,000, 10 रुपये के हिसाब से
कंपनी की न्यूनतम पार्थिव धनराशि होगी, यानी कंपनी को कम से कम 90,000 मिल जाने चाहिए। कितने दिनों में? 30 दिनों में। अगर कंपनी को 30 दिनों में पार्थिव धनराशि 90,000 नहीं मिलेगी तब क्या होगा? आवेदन 30 दिन तक इंतजार, फिर 30 दिनों के बाद 15 दिन के अंदर पूरा पैसा वापस। यदि वापस नहीं हुआ तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज के हिसाब से क्या करनी पड़ेगी? उसको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये न्यूनतम पार्थिव धनराशि का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।